धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं, हे मन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, माली सैकड़े घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। इसमें कबीर जी मन को बता रहे हैं कि हे मन धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जो माली होता है वो एक पौधे को रोजाना पानी देता है, मतलब सींचता है। माली सींचे सो घड़ा मतलब सो घड़े पानी से आशय है कि लंबे टाइम तक उस पौधे को पानी देता है, तब जाके वह पेड़ बनता है। ऋतु आए फल होए, और उस पेड़ पर जब उसकी ऋतु आती है तब फल निकलता है। ऐसा भी नहीं होता कि आप एक ही दिन 100 घड़े पानी डाल दो और अगले ही दिन फल आ जाएंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उसका टाइम होता है, तो वही टाइम के अनुसार ही उस चीज का फल निकलेगा, मतलब रिजल्ट आएगा। तो कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही बता रहे हैं कि धैर्य और पेशेंस रखो, हर काम अपने प्रोसेस से ही होता है, और उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, और उसका निश्चित समय आएगा तभी उस चीज का रिजल्ट निकलेगा। इस दोहे के माध्यम से हम एक किसान का भी उदाहरण ले सकते हैं। एक किसान जमीन की जुताई करके उसमें बीज रोपता है और उसमें खाद पानी देता है, तब जाकर 3 से 4 महीने में एक फसल उगती है और फिर उस पर फल लगते हैं। ये नहीं होता कि आज ही बीज रोपें और हम उसमें खाद पानी डालें तो 2 दिन बाद ही फसल पूरी हो जाएगी। तो इस आशय से कबीर जी बता रहे हैं कि हर चीज का एक प्रोसेस है, उसी से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपना धैर्य रखें, समय आने पर उस पर फल जरूर लगेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए।